वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे अमेजिंग म्यूजिक वीडियो इफेक्ट्स। यूज किए गए हैं बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स और इन्हीं पे हैं। सो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इफेक्ट नंबर वन पे। सो ये है गाइज हमारा इफेक्ट नंबर वन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एक स्मॉल फ्रेम और उस स्मॉल फ्रेम में आपको मिलेंगी टू वीडियोस, एक राइट एंड एक लेफ्ट। सबसे पहले हम यही क्रिएट करना सीखेंगे और उसके ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर एक ब्रश इफेक्ट, और इस ब्रश इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फोटोशॉप में। सो यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ फोटोशॉप में और आप जाएंगे यहाँ पर ब्रश में, और ब्रश में जाने के बाद आपको ऊपर मिलेगा एक ऑप्शन ब्रश का, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 25 नंबर ब्रश को। सो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर जो नीचे आपकी बैकग्राउंड लेयर होगी उसे आप कर देंगे ऑफ और जाएंगे और इस फाइल को आप सेव कर देंगे PNG फॉर्म में। यहाँ पर आपको PNG फॉर्मेट मिल जाएगा, इसे आप कर देंगे सिलेक्ट। सो सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कर देंगे सेव, जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। सो हमारा जो ये ब्रश है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे इस टाइप की टू वीडियोस। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ वीडियोस रखी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो एक इसे सिलेक्ट करते हैं और एक सिलेक्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसे हम लेके जाएंगे अपने प्रीमियर प्रो में और क्रिएट करेंगे एक टाइमलाइन। इन दोनों वीडियोस को हम ड्रैग करेंगे अपनी टाइमलाइन पर, और ड्रैग करने के बाद अब हम लेके आएंगे अपने ब्रश को जो हमने क्रिएट किया है। ये है गाइस हमारा ब्रश। सो इसे आप इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाई करने के बाद एक वीडियो को आप मूव करेंगे इस लाइन की राइट तरफ, एक को करेंगे आप लेफ्ट की तरफ। सो इसे करते हैं सबसे पहले राइट की तरफ मूव इस तरीके से। जो अब हमारी सेकंड वीडियो है इसे हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, जो हमारी राइट साइड की वीडियो है अब हम इसे मूव कर देंगे राइट की तरफ इस तरीके से। अब जो हमारी लेफ्ट साइड की वीडियो है वो आ रही है हमारे राइट साइड पे भी, इसे हम करेंगे यहाँ से इरेज। सो इरेज करने के लिए हम यूज़ करेंगे पेन टूल का, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस वाइट लाइन के बिल्कुल बीच में। इस तरीके से मास्क क्रिएट करने के बाद आप यहां से इसे कर देंगे इन्वर्टेड। सो हमारा जो गाइस इतना इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इन तीनों लेयर को करेंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे नेस्ट। सो नेस्ट करने के बाद इस सब लेयर पे हम अप्लाई करेंगे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट। यहां पर आपको इफेक्ट्स में मिल जाएगा ब्लैक एंड वाइट, इसे आप अप्लाई कर देंगे अपनी वीडियो पे। सो अप्लाई करने के बाद अब हम इसे करेंगे स्केल इस तरीके से, जैसे कि हमारे इस वीडियो में इफेक्ट क्रिएट किया गया है। सो सेम इसी तरीके से मैंने इसे कर दिया स्केल, इस तरीके से ब्रश इफेक्ट क्रिएट कर दिया। सो अब मैं इसके पीछे बैकग्राउंड पे अप्लाई करूंगा एक वीडियो, उसके लिए आप किसी भी वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को अप्लाई कर देते हैं पीछे बैकग्राउंड पे, देखिए गाइस इफेक्ट नंबर वन जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है आपके सामने। सो अब हम चलते हैं अपने इफेक्ट नंबर टू पे। सो ये है गाइस हमारा इफेक्ट नंबर टू। इस टाइप के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए गाइस इमेजेस। सो इमेजेस मैं पिक करूंगा इसी वीडियो में से, जो कि हमारी ये वीडियो है। सो इस फ्रेम का मैं लूंगा सबसे पहले स्क्रीनशॉट, यहां से लेंगे स्क्रीनशॉट और यहां पर कर देंगे ओके, और इसी तरीके से मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स क्रिएट करूंगा। भी आपने इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करना है तो आपने मिनिमम लेने हैं 15 से 20 स्क्रीनशॉट। सो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, सो उन्हीं से ही मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। बट जब आपने अपना इफेक्ट क्रिएट करना है तो आपने थोड़ा टाइम लेना है, और जितने ज़्यादा स्क्रीनशॉट आप क्रिएट करेंगे अपनी वीडियो में से उतना ही आपका इफेक्ट लगेगा अच्छा। सो इन सारे स्क्रीनशॉट को मैंने टाइमलाइन पर अप्लाई कर लिया है। सो सबको मैं करूँगा सिलेक्ट, राइट क्लिक करूँगा और जाऊँगा नेक्स्ट पे। सो इसे मैं कर दूंगा ओके। सो नेक्स्ट करने के बाद अब मैं इस फाइल को करूंगा सिलेक्ट, राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा स्पीड ड्यूरेशन पे, और इसकी स्पीड मैं कर दूंगा 3000। सो 3000 स्पीड करने के बाद अब मैं इस वीडियो पे अप्लाई करूंगा ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट।
इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। सो प्ले करके देखते हैं। सो देखिए हमारा सेम उसी टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, कुछ सिमिलर है उसी टाइप का। सो इसके ऊपर अगर आप कुछ ग्लिच अप्लाई कर देंगे तो सेम उसी टाइप का टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा आपका। और अब है गाइज हमारा थर्ड इफेक्ट जो कि है गाइज ये, और ये इफेक्ट आपको गाइज बहुत सारी वीडियोस में आजकल देखने को मिल जाएगा। ये भी गाइज एक तरीके के स्क्रीनशॉट क्रिएट किए गए हैं इस वीडियो में, बस इन्हें रोटेट किया गया है इस तरीके से, जैसे कि फ्रेम नंबर 1 सिंपल, उसके बाद थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अगेन थोड़ा सा इसे रोटेट किया, इस तरीके से इस इफेक्ट को क्रिएट किया गया है इमेज को रोटेट कर करके। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है गाइज, इस टाइप के इफेक्ट आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आपने कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब है गाइज हमारा फोर्थ इफेक्ट जो कि है गाइज ये, और ये इफेक्ट गाइज सिद्धू मूसेवाले की बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ किया गया है। इस इफेक्ट का नाम है 8mm इफेक्ट। अगर आप जाएंगे गूगल पे, यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे 8mm इफेक्ट तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। सो डाउनलोड करने के बाद आप इस इफेक्ट को अप्लाई करेंगे अपनी टाइमलाइन के ऊपर, जहाँ पर भी आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। सो अप्लाई करने के बाद आप जाएंगे इस लेयर के इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लेंड मोड, और ब्लेंड मोड में आप सेलेक्ट करेंगे डार्कन। देखिए